नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। हिंदू धर्म में दीपावली के त्यौहार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदना या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जाना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तारीख को मनाया जाने वाला धनतेरस इस साल 10 नवंबर को मनाया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी के हाथ में उत्पन्न होने के समय पीतल का कलश था, इसलिए धनतेरस पर ज्यादातर पीतल के बर्तन खरीदने का महत्व होता है। धनतेरस को दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। उन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि धनतेरस पर माता लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती, साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आपको बता दें, इस बार धनतेरस पर प्रीति योग बन रहा है। अगर व्यक्ति इस योग में धनतेरस के दिन खरीदारी करता है तो उसके घर में सुख और शांति का वास होता है। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये शाम को 5:30 से शुरू होकर 8:08 तक रहेगा। खरीदारी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त 10 नवंबर दोपहर 12:35 से 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक रहेगा। इस दिन घरों में कुल 13 दीपक जलाए जाते हैं। इससे घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इन दीयों को आप सरसों के तेल या फिर घी में भी जला सकते हैं। धनतेरस की देर रात को एक दिया और जलाना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सके। घर के किसी भी बुजुर्ग द्वारा इसे जलाकर घर के बाहर रखा जाता है। इसे यम का दिया कहा जाता है। इसमें 4 बत्ती होनी चाहिए। सरसों के तेल से इसे जलाकर आप घर के बाहर रख सकते हैं। मान्यता है कि इस अकाल मृत्यु भी टल जाती है। धनतेरस पे धनिया, झाड़ू, सोना, पीतल, चांदी आदि जैसी धातुओं का अगर खरीदारी की जाती है तो ये हमारा और 13 गुना वृद्धि करता है। धनतेरस के दिन यदि आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है, इसलिए लोग बर्तन, चांदी और सोना खरीदने पर विश्वास रखते हैं। धनतेरस के दिन काले कपड़े, लोहे का सामान, प्लास्टिक की वस्तुएं, शीशे का सामान आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।